Prime Minister Modi is speaking at the Vibrant Gujarat Summit. Let's listen in. Mr. Philip Nyusi, President of Mozambique, His Excellency, Mr. Ramos Horat, President of Timor-Leste, His Excellency, Mr. Petr Fiala, Prime Minister of Czech Republic, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, देश विदेश से आए हुए सभी विशेष अतिथि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृतकाल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने, भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। इस समिट में भी भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं।
भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। फ्रेंड्स, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हिज एक्सलेंसी न्यूसी से कल भी मेरी बहुत विस्तार से बात हुई है। उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। साथियों, चेक के प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी पेत्र फियाला जी की ये पहली भारत यात्रा इस पद पर है। वैसे वो भारत पहले भी आए हैं। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सलेंसी पेत्र फियाला, मुझे विश्वास है आपकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। हमारे यहां कहा जाता है अतिथि देवो भव, और प्रधानमंत्री के रूप में आपकी तो ये पहली भारत विजिट है। उम्मीद है आप बहुत शानदार यादें लेकर यहां से जाएंगे। फ्रेंड्स, नोबेल लॉरिएट और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हिज एक्सलेंसी रामोस होर्ता का भी मैं भारत में स्वागत करता हूं। हिज एक्सलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आंगना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए हैं, और अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर।
21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोडमैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। द वर्ल्ड looks at India as an important pillar of stability, a friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a voice of the global south, an engine of growth in the global economy, a technology hub for finding solutions, a powerhouse of talented youth, and a democracy that delivers. Friends, Bharat ke 1.4 billion logon ki priorities or aspirations, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर उनकी आस्था, इंक्लूसिविटी और इक्वलिटी का हमारा कमिटमेंट, विश्व समृद्धि और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था, आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की top 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है
न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम, इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें, गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सलेंसी न्यूसी और हिज एक्सलेंसी रामोस होर्ता जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आप सभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। रिकैपिटलाइजेशन और आईबीसी से हमने भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देते हुए हमने 40,000 से ज्यादा कंपनीज को समाप्त कर दिया है, कंप्लायंसेज को समाप्त कर दिया है। जीएसटी ने भारत में टैक्स के अनावश्यक जाल को खत्म किया है। भारत में हमने ग्लोबल सप्लाई चेन के डायवर्सिफिकेशन के लिए बेहतर माहौल बनाया है। हाल में ही हमने 3 FTA साइन किए ताकि ग्लोबल बिजनेस के लिए भारत और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके। इनमें से एक FTA तो UAE के साथ ही हुआ है। हमने अनेक सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट से FDI के लिए ओपन किया है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में भारत का कैपेक्स 5 गुना अधिक हो चुका है। फ्रेंड्स, भारत आज ग्रीन एनर्जी और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को लेकर भी अभूतपूर्व गति से काम कर रहा है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 20 गुना वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत में लाइफ और बिजनेस दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 10 वर्षों में सस्ते फोन और सस्ते डेटा से डिजिटल इंक्लूजन की नई क्रांति आई है। हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभियान, 5G का तेजी से विस्तार आम भारतीयों का जीवन बदल रहा है। आज हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 वर्ष पहले तक भारत में कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज भारत में 1,15,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। फ्रेंड्स, भारत में जो ये बदलाव आ रहा है वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में मिडिल क्लास की एवरेज इनकम लगातार बढ़ रही है। भारत में फीमेल वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी संकेत है।
और इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि भारत की इस विकास यात्रा से जुड़िए, हमारे साथ चलिए। साथियों, लॉजिस्टिक्स को लेकर, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी भारत में आधुनिक पॉलिसीज पर काम हो रहा है। 10 साल पहले भारत में 74 एयरपोर्ट थे, आज भारत में 149 एयरपोर्ट हैं। भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क पिछले 10 सालों में करीब करीब 2 गुना हो चुका है। 10 सालों में हमारा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन हो, इनको आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। भारत में आज अनेक नेशनल वाटरवेज पर एक साथ काम चल रहा है। भारतीय पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम आज बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। G20 के दौरान जिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई है, वो भी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी का वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। आइए, सपने देखने के अवसर अनेक हैं, संकल्प पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय।